जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी YouTube फैमिली। तो आज हम आपको भेजा साफ़ करने का तरीका बताएंगे। तो हमने ये बीफ के एक भेजी ले लिए है और इसे हमने 4 से 5 पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे, तो ये बर्फ़ का पानी है, बिल्कुल ठंडा। तो हम ये भेजे को इसमें डाल देंगे। हमें इसमें 5 मिनट के लिए इसे भिगा के रखना है ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। इस तरह से हमें भिगा देना है इसे। अब हम इसे क्लीन करेंगे। तो भेजा हम बॉईल करते हैं अगर, तो भेजे में जितनी गंदगी होती है वो पक जाती है, अंदर की जो है अंदर ही रहती है। अगर हम खींचने की कोशिश करते हैं तो वो टूट जाती है। लेकिन इस तरह से आप बहुत अच्छे से भेजे को साफ़ कर सकते हैं। हम इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। तो ये बहुत सॉफ्ट और नरम होता है। तो हम इसका जॉइंट खोल लेंगे, जहाँ से इसका जॉइंट है हम खींच लेंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर पानी डालते जाना है और इसकी जो नसें होती है उसे हमें खींचते जाना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी से तरीके से निकल जाता है ये। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भेजा कब साफ़ हो गया, बस इस तरह से खींचना है। लेकिन पानी ज़रूर डालना है, पानी नहीं डालोगे तो भेजा भी हाथ में आएगा। तो ये देखिए, और पानी डाल के आप उंगली से जहाँ जहाँ बनाओगे रास्ते जैसा बनते जाएगा और बिल्कुल इसकी जो गंदगी है वो बाहर आती जाएगी। बस पानी ठंडा होना चाहिए और हमें पानी डालते जाना है और इस तरह से खींचते रहना है। ये देखिए, ये खुलते जा रहा है, बस हमें उंगली डालना है तो ये खुलते चला जाता है, एक रास्ते जैसा बन जाता है इसमें, आप देख सकते हो। बस जो नसें हैं उसे खींच लेना है। और बिना पानी के हम इसे नहीं साफ़ कर सकते। और बॉईल करने से क्या होता है कि जितनी नसें हैं वो पक जाती हैं अंदर ही और बिल्कुल कड़क हो जाती है, तो हम खींच नहीं सकते उसे। लेकिन कच्चे में क्या होता है कि जितनी ब्लड है, जितनी भी गंदगी है, सब निकल जाएगी इसकी, आप देख सकते हो। बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अभी कुछ ही देर में आप देखोगे कि बहुत जल्दी है, कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है। हम वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, डायरेक्ट देखते जाइए। हम ज़रा भी वीडियो को स्किप नहीं किए हैं। तो ये देखिए, एकदम साफ़ हो गया यहाँ का, बिल्कुल खुल चुका है। बस इसमें बारीक बारीक जो होती है नसें और झिल्लियाँ होती है, हमें बस वही निकालना होता है। इसे साफ़ करने के बाद हम बॉईल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम किसी भी तरह से इसे बना सकते हैं, या हम इसे पीस पीस में कट करके बना सकते हैं, या फिर इसकी भुर्जी बना सकते हैं, और या फिर हम इसे ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। तो हम इसकी रेसिपी डाले हैं, हमने भेजा मसाला बनाया है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, हमारी रेसिपी देखिए। हमारा वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पर रुखसार किचन पर हमारे, तो आप लोग ज़रूर देखिए हमने इस भेजे को किस तरह से बनाया है। तो आप देख सकते हो कितने साफ़ और कितने क्लीन हो गए। ये देखिए, बिल्कुल जैसे रास्ते जैसा बन गए हैं और बिल्कुल भी गंदा नहीं है और टूटेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ठंडे पानी में डाले हैं। और ठंडे पानी में डालने से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है, जम जाता है, और ये खींचते जाने से इस तरह से निकलता है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही ईजी है साफ़ करना। और इसमें जो बिसाइन होती है, तो हम इसे हल्दी नमक डाल के और लहसुन का पेस्ट डाल के बॉईल करेंगे। उससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और भेजा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। तो ये देखिए, तो बकरीद में आप लोग ट्राई ज़रूर करिए। इस तरह से मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। बॉईल करने से हमारा पूरा काम बढ़ जाता है और हम अच्छे से नहीं साफ़ कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह से करिए, देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक लचीलापन होता है, इस वजह से ये टूटता नहीं है। जब तक हम इसे खींचेंगे नहीं ये टूटेगा नहीं।
एक चीज़ का ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमें भेजे को बहुत अच्छे से धुल लेना है, उसके बाद हमें इस तरह से ठंडे पानी में डाल के साफ़ करना है, क्योंकि हम इसके बाद एक और बार ठंडे पानी से सिर्फ धुलेंगे, ज़्यादा नहीं धुलेंगे इसे। तो इसी तरह से हम दूसरा भी भेजा साफ़ कर लेंगे। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो जाता है और एकदम साफ़ हो चुका है, देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है और लगता है कि एक पाइप का गुच्छा है, इस तरह से ये दिखने लगता है, एकदम साफ़ हो चुका है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिए, बहुत इजी है इसे साफ़ करना। और हम बहुत परेशान हो जाते हैं किस तरह से करें, बॉईल करके करें, ऐसे करें, लेकिन आप इस तरह से करोगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे साफ़ कर सकते हो। तो हम दूसरा भी भेजा इसी तरह से साफ़ करेंगे। ये तीन पार्ट में होता है, हमारा भी भेजा होता है जो एक पार्ट इधर होता है, दूसरा इधर, बीच में पीछे का। तो हम ये जो पकाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पकाते हैं, तो हमें इस तरह से सारे भेजों को साफ़ करना है। देखिए आप कितना क्लीन निकल रहा है ये ठंडे पानी से, बस इसे खींचते जाना है पानी डाल के, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब साफ हो गया है। तो हम आगे और रेसिपी डालेंगे भेजे की, भेजा जिस तरह से हम बटर चिकन बनाते हैं इस तरह का भेजा फ्राई, तो हम वीडियो आगे अपलोड करेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हमने बीफ के कोरमे की रेसिपी भी अपलोड की है, हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। बीफ कोरमा बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बन के तैयार होता है, खाने में बहुत टेस्टी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बकरीद में ज़रूर ट्राई करिए उसे। और चिकन कोरमे की भी रेसिपी हमारी अपलोड है, बहुत सारी हमने चिकन की डिशेस डाली है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी हमारी, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिए। आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में बहुत टेस्टी और चटपटा सा टेस्ट है इसका। तो आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन होते जा रहा है ये, बस इस तरह से खींचते जाना है। अभी आप लोग तो समझ गए होंगे, हमने इतनी देर से काफ़ी टाइम से बता रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसे क्लीन करना है। और हमारा अगला वीडियो है चिकन कोरमे का, तो आप लोग ज़रूर देखिए और ज़रूर ट्राई ज़रूर करिए, रेस्टोरेंट स्टाइल है वो और बहुत ही टेस्टी है। अगर कोई चिकन का ग्रेवी नहीं पसंद करता है, ड्राई पसंद करता है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट डिश है, तो बहुत ही चटपटी चटखारे सी डिश है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिए। इसके फौरन बाद हम अपलोड करने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे भेजे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, मतलब बीफ के भेजे। अगर कहीं भी रह जाए तो आप इस तरह से पानी डाल के निकाल सकते हो, क्योंकि हमें लग रहा है कहीं रह गया, तो हम पानी डाल के निकाल लिए है। ये देखिए उंगली से आप हटाते जाओगे तो आपको लगेगा जैसे सुरंग जैसा एक रास्ता बनते चला जाएगा और लगेगा बहुत सारा पाइप का गुच्छा रखा हुआ है, इस तरह से हो जाता है ये। अब ये जो पीछे का होता है, पीछे का बीच का हिस्सा ये है, ये इसे भी हम साफ कर लेंगे। अगर पानी का टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा नहीं है, तो हम इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। तो अगर आप सोचोगे नहीं निकल रहा है तो बर्फ़ और डाल लीजिए या ठंडा पानी और डाल लीजिए, लेकिन ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, इस तरह से खींचते जाना है। और ये पीस थोड़ी हार्ड होती है, तो इसमें हम तेज़ी से खींच सकते हैं इस तरह से, और ये मिनटों में निकल के तैयार हो जाएगा साफ़, क्योंकि ये हिस्सा जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, और इसे साफ़ करना ज़रा भी परेशानी नहीं का काम नहीं होता है।
तो ये देखिए आगे हम इसकी फ़ोटो डाले हैं जो हम इसकी भेजा मसाला बनाए, तो इसका वीडियो अपलोड है, तो आप लोग देखिए ज़रूर से और बकरीद में ज़रूर ट्राई करिए। ये बिल्कुल साफ़ हो गया है और हमें इसे बाउल में ही एक बार ठंडे पानी से धो लेना है, हमें इसे कोई और चीज़ में नहीं डालना है, बस बाउल में धोना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, आप देख सकते हो एक रास्ते जैसा दिख रहा है, इसमें बिल्कुल एक एक कचरा निकल गया है इसका, और पानी देखिए विनेगर से इसका जितना ब्लड था वो निकल आया है। अब बहुत संभाल के हमें सादे पानी ठंडे पानी में डाल देना है इसे, ठंडे पानी में क्या होता है फिट हो जाता है, और हमें धोना नहीं है इसे, बस इसमें से निकाल लेंगे हमारा भेजा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा बीफ के भेजे। तो अब इसे बॉईल करने की तैयारी करते हैं। पानी में हम नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और पानी बॉईल होना चाहिए, इसमें हम अच्छे से मिला देंगे ताकि हम बॉईल पानी में डालें तो डालते साथ हमारे जो भेजे है वो फिट हो जाए फट से। और लहसुन के पेस्ट से क्या होता है कि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और हल्दी जो है वो एंटीबायोटिक होती है, हल्दी भी बहुत काम की चीज़ है, तो हमें कलर भी मिल जाएगा इसका बहुत अच्छा सा। तो भेजे बिल्कुल येलो येलो हो गए हैं, तो हम इसे किसी भी आकार का कट कर सकते हैं और किसी भी डिश में डाल सकते हैं इसे। अब ये बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही क्लीन एकदम तैयार हो गया है बॉईल भेजा, तो हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे, इसे हम छन्नी वाले चम्मच से निकाल लेंगे, झारे से जिससे हम पूरियां छानते हैं इससे निकालेंगे हम, ताकि जितना भी पानी है वो स्ट्रेन हो जाए इसका। ये देखिए बिल्कुल वेलवेट जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है वेलवेट का कपड़ा होता है ना उस तरह से वेलवेट जैसा लग रहा है ये। आपने कभी इस तरह से नहीं देखा होगा भेजा, पूरे यूट्यूब चैनल पे आपने नहीं देखा होगा, तो आप लोग इस तरह से बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ये देखिए बिल्कुल पाइप जैसा लग रहा है, तो देखिए इसे हम कट करेंगे, चाहे जैसे भी कर सकते हैं, अगर भुर्जी बनाना है तो चम्मच से हम इसे खचखचा सकते हैं, लेकिन हम भेजा मसाला बनाएं तो हम इस तरह से इसे कट किए जैसे हम केक वगैरह कट करते हैं या कोई चीज़ कट करते हैं ना, बस इस तरह से, लेकिन ये टूटेगा बिल्कुल नहीं, जिस तरह से हम काटेंगे बस उसी तरह से कटेगा, ये सॉफ्ट है लेकिन जब तक हम इसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे ये उल्टा सीधा नहीं कटेगा, जैसा हम काटेंगे वैसे ही कटेगा क्योंकि ये बिल्कुल फिट हो चुका है। तो ये देखिए हम छोटी छोटी पीस करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, जब हम ये मसाले में डालेंगे तो आप देखिए बहुत बड़ी है ये, तो इसकी पूरी रेसिपी अपलोड है चैनल पे, आप देख सकते हो। ये देखिए हम सारी पीसेस को कट कर लेंगे, इसे भी हम कट कर देंगे और बहुत ही आसानी से हम इसे कट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जिस तरह से आप केक कट करते हैं इस तरह से लगता है ये। तो ये देखिए हमने कट कर दिया है सारे भेजे को, ये हो गया पूरा तैयार, और हमने इसकी डिश बनाई है, आगे फोटो है इसका देख लीजिए। तो सब्सक्राइब करें रुखसार किचन को, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह।